गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम अनिल सर। आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स क्लास फिफ्थ। ओके, द फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर वन, नंबर सिस्टम। हियर इट इज रिटन क्वेश्चन वन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखने हैं। आपने पिछली क्लासेस में नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और इस तरह से स्मॉलेस्ट बिगेस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स को लिखना सीखा था। तो उसी को एक रिकैप कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपकी एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन, write the expanded form of given numbers. Here you can see this is the first number and this is the second number. Okay, तो इन expanded form में लिखने के लिए जितने भी digits हैं उनके place values के according लिखते हैं। जैसे आप देखें, इधर आपका first number है, first digit है 6। तो 6 के बाद आप पहले आप कैसे लिखेंगे expanded form? सबसे पहले 6 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो आगे बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना। उसके बाद जीरो आया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई प्लेस नहीं है इसमें। और इसके बाद इसमें है लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे, और उसके बाद फिर 8 लिखेंगे। तो 8 लिखेंगे, 8 के बाद आप देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हम 5 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद आते हैं हमारी इस डिजिट की 1 की। तो 1 के बाद आप देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरो बढ़ाएंगे, यानी 1 का प्लेस यहाँ पर क्या है, 10,000 है। और इसी तरह से 2 है तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1000 है, 2000। तो 2 के बाद देखिए 1 2 3, 3 डिजिट बचे हैं तो 3 जीरोस बढ़ा देंगे, 2000, ये इसका प्लेस वैल्यू होगा 2000। इसके बाद 8 का आप देखिए, 8 है और 8 के बाद 2 डिजिट है, 7 और 3, तो हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, यानी 8 का प्लेस वैल्यू 800 है। इस तरह से 7 है, 7 के बाद 1 डिजिट है 3, तो यानी यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे और 7 का प्लेस वैल्यू आपका 10 हुआ, 3 अकेला है वंस प्लेस पे रहेगा। तो इस तरह से आपका ये जो नंबर है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है आपका, देखिए, ठीक है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इसमें देखिए डिजिट ये नंबर दिया गया है ना, इसको फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ये पहले डिजिट को लेंगे, 7 लिया, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट है, तो 6 जीरोस बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद ये 7 है, आफ्टर दैट हियर इट इज रिटन 7। 7 के बाद आपको देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, तो हम इसके बाद 5 डिजिट्स यहाँ 5 जीरो बढ़ा देंगे, तो इस 7 की प्लेस वैल्यू राइट हो जाएगी। इसके बाद फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, और 1 2 3 4, 4 डिजिट बढ़ा देंगे, तो ये 3 का प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें 8 है, ये 8 आपका 1000 प्लेस पर है तो 8000 हो जाएगा, फिर ये 500 प्लेस पर है तो 500 हो जाएगा, 8 10 प्लेस पर है तो 80 हो जाएगा, और 0 की 0, तो आपका ये नंबर आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चंस एक्सपेंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चंस लिखकर भेज देंगे, आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कॉपी में लिखिएगा, इसको भी फेयर कॉपी में लिखिए, और उन जो क्वेश्चंस अभी भेजेंगे उनको भी लिखिएगा, और फिर राइट करके हमें व्हाट्सएप करके भेज दीजिएगा। थैंक्स।